विदाउट फेल प्लीज वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो बिकॉज जो भी अपडेट है वो सब आप लोगों के पास टाइम टू टाइम आते रहना चाहिए पूरा प्ले लिस्ट है इसमें सारे कंटेंट आपको मिल जाएगा रिलेटेड टू सी ए सी एम ए इंटर कॉस्टिंग एंड आई एम श्योर एग्जाम टाइम तक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल प्ले लिस्ट फॉर यू राइट गाइज चलो आज स्टार्ट करते हैं अपन लोग सेशन को सो यहां पे मैं आप लोगों के सामने मेरा ये जो मैजिक बुक है वो भी ओपन करता हूं तो ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो गाइज कमेंट्स में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं मेरे टेलीग्राम का लिंक वहां से आप लोगों को ये नोट्स मिल जाएंगे इन केस आपके पास ये बुक है तो ओपन कर लीजिए नहीं है देन इन दैट केस आपको मैं खाली मॉड्यूल से क्रॉस चेक भी करवा देता हूं कि वैसे ये एफएम का मॉड्यूल है तो एफ का भी मैं ये सेम चीज चालू कर रहा हूँ स्टे कनेक्टेड नाउ

मैजिक बुक या फिर नोट्स मेरे जो टेलीग्राम चैनल के लिंक पे आपको नोट्स मिल जाएंगे वो क्लिक कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्ट वो नहीं है तो मॉड्यूल तो होगा ही आपके जो भी प्रोफेसर के नोट्स होंगे वहां से भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेथड्स टू कैलकुलेट एम्प्लॉय टर्न ओवर एम्प्लॉय टर्न ओवर किसको बोलते हैं एम्प्लॉय जब छोड़ के जाता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को तो आपको एज अ ओनर पता होने चाहिए कितने लोग छोड़ कर गए उसको बोलते हैं सेपरेशन राइट तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पूरे साल में कितने लोग सेपरेट हुए उसको बोलते हैं सेपरेशन मेथड उससे पता चलता है कि कितना परसेंटेज सेपरेशन हुआ है लोग छोड़ के गए हैं दूसरा उस सेपरेशन के बाद आपको उनको रिप्लेस भी तो करना पड़ेगा तो अगर फॉर एग्जांपल दस लोग छोड़ के गए हैं तो सेपरेशन मेथड मुझे बताएगा कि दस लोग छोड़कर गए हैं राइट right? तो से फॉर एग्जांपल सौ लोग मेरे ऑफिस में काम कर रहे हैं सौ में से ये साल दस लोग छोड़कर गए हैं तो इसका मतलब क्या हुआ टेन परसेंट सेपरेशन हुआ है उसमें से मैंने कितने लोगों को री re रिक्रूट कर लिया री re रिक्रूट मतलब वो दस लोग छोड़ के गए तो उनका रिप्लेसमेंट चाहिए रहेगा मेरे को तो उसमें से मैंने समझो आठ लोगों को री re रिक्रूट कर लिया दैट इज कॉल्ड एज द रिप्लेसमेंट मेथड जो लोग छोड़कर गए हैं उनकी ही पोजीशन को मैंने फिल किया रिप्लेस किया उसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट मेथड और इन दोनों के एवरेज को बोलते हैं फ्लक्स मेथड राइट तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड ऑल ऑफ ऑफ दिस इन द फॉर्म फ्लक्सूला और एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि देर इज ऑल्सो समथिंग कॉल्ड एज एक्सेश मतलब अगर कंपनी एक्सपांड कर रही है तो हो सकता है कि न्यू ज्वाइनी आएंगे हो सकता है कि ना कोई सेपरेशन है ना कोई रिप्लेसमेंट है बट कंपनी अगर न्यू को हायर कर रही है इंपैक्ट <laughs> मेथड में कैसे दिखाना है दैट ऑल्सो विल बी सी इन द फॉर्मलाज तो चलो लेट्स क्विकली गेट अप विथ द फॉर्मूला तो एम्प्लॉय टर्न ओवर एम्प्लॉय लेबर टर्न ओवर फॉर्मुलाज आपको यहां पर दिख रहेगा सबसे पहला मेरे को दिख रहा है समथिंग कॉल्ड एज अ रिप्लेसमेंट मेथड क्या आएगा रिप्लेसमेंट मेथड में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉज रिप्लेस्ड ड्यूरिंग द पीरियड मेरे हिसाब से ना पहले अपन सेपरेशन पढ़ लेते हैं ठीक है तो सेपरेशन मेथड क्या है सेपरेशन मेथड सो सेपरेशन मेथड इज वॉट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड ड्यूरिंग द पीरियड सो कितने एम्प्लॉयज सेपरेट हो गए हैं मतलब छोड़ के गए हैं हु हैव लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन

साल के स्टार्ट में मेरे पास कितने वर्कर्स थे फॉर एग्जाम्पल लेते हैं 100. साल के एंड में मेरे पास थे 110. तो मेरे पास एवरेज वर्कर्स कितने थे पूरे साल 105. उसमें से, से 15 ने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ा तो 15 अपॉन हंड्रेड विल बी माय सेपरेशन मेथड का रेशियो इसमें से कितने लोगों को मैंने री re रिक्रूट कर दिया मतलब ये जो पोजीशंस थी उसमें से कितने लोगों को रिप्लेस किया है मैंने सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड सो ये ये जो पोजीशन है उसको मैंने जब रिफिल किया दैट इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज रिप्लेस्ड रिप्लेस नाम समझ रहे? ड्यूरिंग like में formula आया तो आप लोगों को लॉजिकली चीजें याद रहती तो है कितने रिप्लेस हो गया तो इन दोनों का एवरेज नंबर ऑफ ड्यूरिंग द पीरियड इज कॉल्ड एज द फ्लक्स मेथड अगेन रिप्लेस्ड में न्यू ज्वाइनीस नहीं आएंगे ठीक है सो मैंने अगर पांच मेरे ऑर्गेनाइजेशन में से पांच एडमिन वाले छोड़ के गए हैं तो उसमें से कितने एडमिन वालों को ही मैंने रिक्रूट किया है वो देखना है वो रिप्लेस्ड है वो रिप्लेसमेंट में आएंगे तो पांच में से चार मैंने एडमिन वालों को रिप्लेस किया है तो मेरा रिप्लेसमेंट मेथड में ट्वेल्व आएगा अब मैं कोई अलग ही न्यू जनरलिंग को के लिए या इन जनरल मैं न्यू को हायर कर रहा हूं दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ माय रिप्लेसमेंट मेथड सो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रिप्लेस ड्यूरिंग द पीरियड अपॉन एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वी क्लियर डन फिर बाद में आ जाता है मेरा थर्ड सिचुएशन

प्लस नंबर ऑफ न्यू ज्वाइनिंग पता है क्या रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को बोलते हैं एक्सेशन अगेन आई एम टेलिंग यू यहां पे मैं लिखवा देता हूं ताकि तुम लोगों को ध्यान रहे भाई एक तो होता है रिप्लेसमेंट एक होता है भाई न्यू ज्वाइनिंग जैसा मैंने आपको बोला कि भाई न्यू कोई काम के लिए ज्वाइन हो रहा है तो ये होता है न्यू ज्वाइनिंग इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सेशन इन दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सेशन तो नंबर ऑफ सेपरेशन है प्लस नंबर ऑफ एक्सेशन एक्सेशन में रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग दिस इन टोटल इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज प्लक्स मेथड बट इसमें एक्सेशन को भी अपन लोग ने इंक्लूड कर लिया अच्छा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट बिगनिंग प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एट द एंड अपॉन टू इज कॉल्ड एज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉज नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरा इक्वीव इक्वी वैलेंट लेबर टर्न ओवर रेट इसका मतलब क्या होता है बताए है क्या आपको कि भाई अभी जो ऊपर का आप लोग ने सब कैलकुलशन किया सिर्फ फॉर एग्जाम्पल आप लोग ने रिप्लेसमेंट पीरियड का टर्न ओवर रेट निकाला टेन परसेंट थ्री मंथ पीरियड थ्री मंथ पीरियड मतलब कितना तो आप क्या करोगे टेन इंटू टिवाइड बाई थ्री एंड दिस विल बिकम फोर्टी परसेंट बस वैसा ही है एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट फॉर द पीरियड जो अपने एग्जाम्पल में यह टेन परसेंट है अपॉन नंबर ऑफ डेज इन तो अपने अपने डे में ये डेज़ है 365, या सो so तो तो लोग ने न्यू रिक्रूटमेंट किए तो टोटल तो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट माइनस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट आपको बताता हूं इसका से, आपने टोटल थ्री फिफ्टी लोगों को रिक्रूट किया उसमें से 150 थे रिप्लेसमेंट वाले तो न्यू रिक्रूट कितने हुए 200 सो नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट 350 फिफ्टी माइनस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट समझो 150 थे तो बचे कितने 200 हंड्रेड एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स उसको बोलते हैं न्यू रिक्रूटमेंट रेशियो सो so, आई होप ये सारे के सारे फॉर्मुलाज आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे अगर आपको कोई बोले कि भाई फटाफट चला जरा लिख के बताओ तो अपन लिख सकते हैं क्या द आंसर इज यस एक है सेपरेशन मेथड जो बोलता है नंबर ऑफ एम्प्लॉज सेपरेटेड बहुत क्लियर है ये तो सेपरेटेड मतलब कितने लोगों ने छोड़ दिया दूसरा नंबर ऑफ एम्प्लॉज रिप्लेस रिप्लेस मतलब इन सेपरेशन में से हेलो इन सेपरेशन में से कितने लोगों को हम लोग ने रीरेक्रूट re किया रिप्लेस किया फिर बाद में आता है फ्लक्स मेथड तो फ्लक्स का सिंपल है सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट डिवाइड बाई टू तो ये तो एक है the whole upon जो अपन लोग एवरेज करते हैं तो यहाँ पे भी याद रखना है वो मत बोलना सो सो डिड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉय सो मैंने यहाँ पे डिवाइड बाय टू किया है वो नहीं करना है मैं बैड सो सेपरेटेड प्लस रिप्लेस अपॉन

जो हम लोग ने रेक्रूट किए उसमें से कितने रिप्लेस्ड वाले थे जो बच गए वो मेरे सारे क्या है न्यू रेक्रूट और लास्ट है इक्विवेलेंट वैलेंट एम्प्लॉय रेट इक्विवेलेंट मतलब पूरे ईयर का तो अपन लोग क्या बोलेंगे कि भाई देख अगर टेन परसेंट चार महीने का है तो बारह महीने का कितना सो इन शॉर्ट एम टर्न ओवर रेट यहाँ पे अपन क्या लिखा है टेन परसेंट तो एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट मल्टीप्लाई बाय क्या कर रहे हैं अपन लोग मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लाई में ट्वेल्व मंथ डिवाइड बाय फोर मंथ जो गिवन पीरियड है ये जगह जगह पे पे भी भी हो सकता है 9, के पे 90 days, 120 days, है डेज डेज जो गिवन वो भी हो सकता है सो आई होप अपने को फॉर्मुलाज चारों के चारों पांचों के पांचों फॉर्मुलाज पूरी तरह से अपने को क्लियर हो गए होंगे सो इफ आई टोटली इरेज दिस रिप्लेसमेंट मतलब सेपरेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड कितने लोग छोड़ के गए उसमें से कितने रिप्लेस हुए सेपरेटेड प्लस फ्लक्स में आ जाते हैं एक्सेशन इज नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ प्लस न्यू ज्वाइनिंग रिप्लेसमेंट प्लस न्यू ज्वाइनिंग को एक्सेशन भी बोलते हैं ठीक है एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिगनिंग एंड एंड का डिवाइड बाय टू इक्विवेलेंट क्या होता है एम्प्लॉय टर्नओवर रेट सेपरेशन का हो आ, फ्लक्स का हो रिप्लेसमेंट uh, का हो जिसका भी हो मल्टीप्लाई बाय 365 अपॉन नंबर ऑफ डेज दिस कैन बी 12 मंथ्स डिवाइड बाय मंथ्स भी हो सकता है एंड न्यू रिक्रूटमेंट टोटल नंबर ऑफ रिक्रूटमेंट उसमें से जो नंबर ऑफ रिप्लेस है माइनस बच गया न्यू रिक्रूटमेंट ए समझ गुड एवरीबॉडी सो ये हो गया अपना पूरा सिस्टम

पुर 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 उड़ गए, so, हाँ, वो लोग अपन को दे दिया 3, ओपनिंग है 3, 7, 9, closing है डिवाइड बाय टू कर लेंगे तो एवरेज मिल जाएगा 3, 6, 9, Done? So, ये मेरा separation method हो गया उसके बाद में देखो क्या बोला थ्री फिफ्टी रिक्रूटेड अब सीधा इसको रिप्लेसमेंट मेथड में मत डालना क्योंकि ड्यू ड्यूरिंग ईयर ऑफ वर रिक्रूटेड बिकॉज़ ऑफ एक्सिट्स एंड रेस्ट वर प्लान समझे सो खाली 150 ऑन अकाउंट ऑफ एक्सिट्स तो रिप्लेसमेंट में कितने आ जाएंगे 150, 150 पीछे भी वही दिया है रिप्लेसमेंट मेथड में वन फिफ्टी अपॉन थ्री न्यू रिक्रूटमेंट टोटल थ्री फिफ्टी थे उसमें से वन फिफ्टी तो रिप्लेसमेंट वाला है तो न्यू रिप्लेसमेंट टू हंड्रेड अपॉन एवरेज थ्री सिक्स नाइन फाइव एंड फ्लक्स जब न्यू रिक्रूटमेंट हो तो नंबर ऑफ सेपरेशन प्लस नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट वन फिफ्टी प्लस न्यू ज्वाइनिंग टू हंड्रेड या नंबर ऑफ एक्सेशन भी बोल सकते हो उसको थ्री फिफ्टी अपॉन एवरेज एंड आप लोगों को मिल गया फ्लक्स मेथड का आंसर भी समझ में आ गया आप लोगों को लॉजिकली डन और एक मैं सम करवा देता हूं बट ये डायरेक्टली मैं मॉड्यूल से करवा रहा हूं सो गुड न्यूज सो ये रहा मॉड्यूल का क्वेश्चन द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड कहां पे मिलेगा आपको सर ये आपको मिल जाएगा मॉड्यूल में यहां पे पेज नंबर 3.47 सो द अकाउंटेंट ऑफ वाई लिमिटेड हैज कंप्यूटेड एम्प्लॉई टर्नओवर ओवर फॉर द क्वार्टर एंडेड 10% 5% 3% बताइए अपने को उसने ऑलरेडी दे दिया है क्या एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट फ्लक्स में कितना दिया है रिप्लेसमेंट में में दिया है? में दिया है है सेपरेशन इफ नंबर नंबर ऑफ ऑफ वर्कर्स वर्कर्स रिप्लेस्ड इज फाइंड आउट द द फॉर क्वार्टर अब जो भी इंफॉर्मेशन दिया है कनाई से उसमें से बैलेंसिंग फिगर अपन लोग को निकालना आता है एम्प्लॉय टर्न ओवर रेट यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड क्या होता है नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट जो अपने पास है थर्टी अपॉन एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स इसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट रिप्लेस एम्प्लॉय टर्न ओवर यूजिंग रिप्लेसमेंट मेथड एंड इज फाइव परसेंट ध्यान रखना ठीक है so, ये 5%, ये मिल मिल जाएगा मिल जाएगा समझ में आ गया समझ में आ गया सो एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स ऑन रोल अपने को कहना से अभी बैलेंसिंग फिगर मिली जाएगा थर्टी डिवाइड जीरो हंड्रेड हो गया अब

सेपरेशन का रेशियो है थ्री परसेंट तो अपने को एस मिल जाएगा एटीन उसको अपन लोग यहां पे रिप्लेस कर लेंगे तो नंबर ऑफ सेपरेशन है एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स है फ्लक्स का जो रेशियो है वो है यस नंबर ऑफ भी मिल जाएगा टोटल एंड विच इज फोर्टी टू वॉट इट गाइज डन सो सब तरह से अपने पास सेपरेशन uh, भी आ गया है रिप्लेसमेंट uh, uh, भी आ गया है एक्सेशन भी आ गया है अब क्या बोला है इक्वी वैलेंट टर्न रेट मैं तो इसको लॉजिकली करता हूं कि भाई देखो चार क्वार्टर का आई मीन एक क्वार्टर का कितना टेन परसेंट तो चार क्वार्टर का कितना अरे सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो फोर्टी परसेंट बट अगर आपको फॉर्मूला के हिसाब से जाना है तो टर्नओवर रेट इनटू अब ये क्वार्टर है तो टोटल चार क्वार्टर अपॉन वन क्वार्टर का इन्फो गिवन है समझे बस अब ये सेम चीज फाइव परसेंट इंटू फोर थ्री इंटू फोर करना है तो आपको इक्विवेलेंट टर्नओवर रेट मतलब पूरे साल का टर्नओवर रेट मिल जाएगा अगर मतलब महीने का दस परसेंट है तो साल का फोर्टी परसेंट हुआ आई होप समझ में आ गया होगा सो क्विकली डन विद टू सम्स विद समर्मूलाज ऑल्सो लॉजिकली अब आई एम श्योर और लिख भी लिया अपन लोग ने फॉर्मुलाज को सो आई एम श्योर अब आपको कभी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा एंड एग्जाम फिर कभी भी है, इससे है you will be able to solve वीडियो को लाइक कर दिया एंड शेयर कर दिया अपने फ्रेंड्स के साथ कमेंट्स में बताना और ऐसा कोई भी वीडियो चाहिए तो विल डेफिनेटली गिवेट फॉर यू अगर एफ एम में भी ऐसा कुछ चाहिए तो बताना जरूर थैंक यू सो मच की